यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी सोनीपत के खरखौदा में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया और अलग पार्टी बनाने की बात फिर से दोहराई। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में जितने भी एक जाति विशेष से सीएम रहे हैं, उन्होंने भाईचारे और समान विकास के नाम पर राजनीति की है और 52% लोगों का हिस्सा सिर्फ 10% लोगों को दिया गया। वहीं अपने कार्यक्रमों में होते विरोध को लेकर सैनी ने कहा कि मेरा विरोध करवाने के पीछे भूपेंद्र हुड्डा और चौटाला का हाथ है कि कहीं मैं उनकी पोल न खोल दूं। 52% लोगों को सिर्फ 10% और अपने 10% लोगों को 52 और 50 55%, ये सबका सम्मान हो यहाँ पड़े। जो लोग भाषण 36 बरादरी पे दें, भाई चारा और चारा बना के लोगों को निकल जाएं, वो करेंगे सम्मान। मैंने कहा 100% आरक्षण करूंगा, सबको सभी के हक सुनिश्चित करूंगा, कोई भी नेता दूसरे के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा।